कोई नहीं, फॉर्म वगैरह जमा हुआ है लेकिन अभी ज्वाइनिंग लेटर वेटर नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जहाँ तक है सारा पैसा लगभग अकाउंट में मम्मी के भी मेरे भी आ चुका है। लगभग एक साल पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान जौनपुर के रहने वाले जिलाजीत यादव वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जिनकी शहादत पर वीडियो हमने पहले भी बनाई है। आपको बता दें, शहीद जिलाजीत यादव अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। जिस समय जिलाजीत यादव वीरगति को प्राप्त हुए थे उस समय उनका बेटा 7 महीने का था। लेकिन एक जवान की शहादत के बाद सरकार और प्रशासन की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई चूक रह जाती है। ऐसा ही कुछ अमर शहीद जवान जिलाजीत यादव के परिवार वालों के साथ हुआ है। अभी भी शहीद जिलाजीत यादव के परिवार वालों को कहीं ना कहीं सरकार से कुछ शिकायतें हैं। दरअसल जिलाजीत यादव की शहादत के बाद सरकार ने कुछ वादे किए थे जो सरकार अभी तक पूरे नहीं कर पाई। सरकार ने वादा किया था कि उनके जनपद की कोई भी एक सड़क उनके नाम से होगी और घर के किसी भी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी, साथ ही 50 लाख की आर्थिक मदद भी की जाएगी। शहीद जिलाजीत यादव की पत्नी का कहना है कि उनके अकाउंट में पैसे तो पूरे आ चुके हैं लेकिन बाकी के जो वादे थे वो अभी तक यानी कि एक साल बाद भी पूरे नहीं हुए हैं। कुछ नहीं हुआ है, फॉर्म वगैरह जमा हुआ है लेकिन अभी ज्वाइनिंग लेटर वेटर नहीं आया। अभी कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जहाँ तक है सारा पैसा लगभग अकाउंट में मम्मी के भी मेरे भी आ चुका है जी। नहीं, बस जहाँ तक हो सके स्मारक वगैरह गेट वगैरह बनना चाहिए जल्द से जल्द। अभी काफ़ी टाइम हो गया है, रोड भी देखे आप देखे हैं, आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं है यहाँ पे, तो इसके लिए कार्रवाई जल्द से जल्द हो तो अच्छी बात है। कई बार ऐसा तब भी हो जाता है जब किसी भी शहीद के घर में कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं होता, लेकिन उनके घर तक सारी सुविधाएं पहुंचाना भी किसकी जिम्मेदारी होती है। हम मानते हैं कि ऐसे कामों में समय लगता है लेकिन एक साल का समय बहुत हो जाता है, और ऐसा केवल जिलाजीत के परिवार के साथ ही नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी फैमिली हैं जिनको किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। जिस तरीके से हमारे बहादुर जवान देश के लिए हमेशा तैयार रहते हैं उसी तरीके से सरकार को भी उनके परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द शहीद जिलाजीत यादव के परिवार के किए हुए वादे पूरे करे। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।